Now, our next topic is the Earth magnetism. What is the meaning of this? Meaning of this is that our Earth is also a magnet, a very big magnet. Because you know, what is the reason for this is that whenever you take a small magnetic compass, and magnetic compass is what? It is a magnetic dipole only. It is a very tiny magnetic dipole. Then you will find that the north pole of the magnetic compass will point towards north and the south pole will point towards nearly to the south. It is not actual north-south, but something, matlab north pole se thoda se hat kar jo hai, north point karta hai. Kya, kun sa north point karta hai? Wo jo magnetic compass hai, uska north point karta hai. Aur south pole bhi thoda se hat ke jo hai, south point karta hai. So this is a very important thing that if all the magnetic dipoles, if they are suspended freely in the space, then its north pole will point towards north and south pole will point towards south. So this is a peculiar characteristic. क्योंकि ये ऐसा है कि लगता है कि अर्थ के ऊपर में एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल को कैसा भी आप रखो दूसरी डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगा करके फ्रीली सस्पेंडेड अगर होगा ये, तो उसको टॉर्क लगा करके, मान लो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो अपन डायपोल को अगर ऐसे रखते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पुटिंग टॉर्क एंड दिस मैग्नेट एंड दिस मैग्नेटिक डायपोल विल गेट अलाइन विद दिस वन. और ये ऑसिलेट भी होगा, लेकिन बाद में थोड़ा देर के बाद में क्या होगा कि इट विल कम इन द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट पोजीशन क्या रहेगी उसकी, अलाइनमेंट दोनों के दोनों, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड द डायपोल विल बी गेटिंग अलाइन टू ईच अदर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी सी हियर ऑन द अर्थ सर्फेस. सो व्हाट हैपेंस, यू शुड नो हियर दैट अगर मेरे पास में एक बहुत बड़ा अगर अर्थ है, इफ वी आर हैविंग द अर्थ लाइक दिस, ओके, इफ वी आर हैविंग द अर्थ हियर लाइक दिस, से थोड़ा से अर्थ को गोला बनाना अच्छे से. नाउ इनसाइड द अर्थ यू सी दैट देयर इज, यू कैन इमेजिन दैट इनसाइड द अर्थ देयर इज अ वेरी बिग ह्यूज मैग्नेट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, वेरी बिग ह्यूज मैग्नेट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, एंड इट्स नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द साउथ एंड द साउथ पोल इज टूवर्ड द नॉर्थ. मीन्स ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, विच पॉइंट, these two points, they are known as your NG और ये N, sorry SG बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, SG, NG and SG are known as the geographical north and geographical south, geographical north and geographical south. Similarly this point, when I will take the dipole na, dipole, freely suspended dipole, then this dipole also points in this direction. तो डायपोल का जो एरो है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, डायपोल का जो बैक पार्ट होता है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है. सो वी से दैट द नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स दीज टू पॉइंट्स अगेन, एंड दीज टू पॉइंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज NM एंड दिस इज SM, वेयर NM एंड SM आर नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, दे आर नोन एज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. So this magnetic dipole points directly in the direction of north magnetic north and magnetic south. इसलिए हम बोलते हैं करीब करीब ये dipole जो है north geographical north के साथ में point नहीं होता है, लेकिन हम मान सकते हैं चलो थोड़ा बहुत इसके साथ जो है थोड़ा से angle से ये deflected है, मतलब जो magnetic north है वो geographical north से थोड़ा से alignment, मतलब थोड़ा से angle में क्या होता है, deflected है. So this is all about the thing. And you can consider here also, you can consider here that then you can say that नहीं, यहाँ से तो north pole है तो यहाँ से field lines क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से निकल करके यहाँ से घुसेंगी इसके अंदर, ठीक है ना, the field lines will go like this and it will just enter like this, okay, the field lines will go like this and it will just enter like this. So this is all about the earth's magnetism, means earth के चारों तरफ में क्या होता है, एक प्रकार से magnetic field है. इस मैग्नेटिक फील्ड की जो रीजन है, उत्पत्ति है, व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन डेवलप्ड, दिस रीजन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट आई विल टेल लेटर ऑन, बट यू शुड इमेजिन इन दिस वे दैट अर्थ हैज गॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ओके. तो इसका मतलब ये कि हमारे पास चार पॉइंट्स हो गए, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, एक ज्योग्राफिकल साउथ हो गया, एक मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, एक मैग्नेटिक साउथ हो गया. तो मैग्नेटिक साउथ पोल से क्या होती है, यहाँ से फील्ड लाइन्स निकलती है और यहाँ पर जाती है. तो इसका मतलब यह कि अर्थ को अगर देखते हैं इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर एज ए अर्थ एज ए स्फेरिकल शेप, फॉर एग्जाम्पल, तो अर्थ को अगर स्फेरिकल शेप मानते हो
तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो है मान लो कि ये मेरा जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मेरा ज्योग्राफिकल साउथ है। तो यहाँ पर देखो दो पॉइंट्स हम यहाँ मिलते, दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ है। तो मतलब ये मेरा सेंटर पार्ट है, द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को यहाँ पर एक प्लेन आप खड़ा कर सकते हो, यहाँ भी एक प्लेन खड़ा कर सकते हो। तो ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ को जोड़ने वाली जो प्लेन होगी, वर्टिकल प्लेन होगी, है ना, जो वर्टिकल प्लेन होगा उसे बोलते हैं कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को, साउथ पर जो वर्टिकल प्लेन खड़ा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यू कैन से दिस इज नोन एज द ज्योग्राफिकल, GOGRAPHI, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। And this one is known as the, and this one is known as the, sorry, not this one. ठीक है, this one is known as the magnetic, magnetic तो मतलब ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऐसे दो वर्टिकल प्लेन्स है, ठीक है, जो जोड़ती है इनको। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं। और इस थीटा को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इट इज। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे और देखेंगे एक और एंगल जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, ओके, आई एम रबिंग दिस पार्ट, फॉलोड दिस एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जिसको बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि मान लो कि ये मेरा मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने सब देखा है ना, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये खड़ा रहता है, मतलब इस प्रकार से। तो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये इट कैन फ्रीली रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, यू नो, एंड दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। नाउ फॉर फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग द मैग्नेटिक कंपास हियर, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टेट ऑल दिस थिंग।